रातों रात हो चुका है क्वेश्चन आउट और पूरी तरीके से इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग सेकंड सेटिंग का एग्जाम देने वाले हिंदी का तो पूरी तरीके से इस चुपके चुपके वीडियो को देख लीजिएगा और यहां से जितने भी सारे प्रश्न है पूरी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है और देखिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न से कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तीन नंबर का, तो तीन का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं मार्क्सवाद और लेनिनवाद, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि नारी और नर एक ही दर्भ की दो ढली प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ के शीर्षक है। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, फटाफट से बोलने हैं अगर आप लोग पता है तो। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, अर्धनारीश्वर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और देखिए 100 प्रश्न पढ़ने में आप लोगों का टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा तो कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लेखक ने, करेक्ट आंसर क्या ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो भगत सिंह, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध, मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सात नंबर का, तो डी नंबर यानी क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग भी सोचेंगे कितना स्पीड में बोल रहे हैं, तो देखिए अभी जो आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि मैं धीरे धीरे बोल करके पूरी तरीके समझाऊं, बट आप लोग को देखना और फटाफट से जवाब देने। अब यहाँ देखिए गांधी जी की झोपड़ी डैश ने जला दिया, किसने जलाया था, तो राइट आंसर क्या, एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। देखिए यानी पाठ आप लोगों का कितना है, तो आठवां पाठ है और दो पार्ट ओनली पर मैं आप लोग कवर कराऊंगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि शरे अमन ताल का जल कैसा है, तो यहाँ पर नौ नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होने, गहरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोहरे पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं सूत काटती हुई दिखाई पड़ती थी, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, ग्यारह नंबर, कह रहा है कि अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द है कौन सा शब्द है, तो फटाफट से आप लोग बोले, तो ग्यारह नंबर का पुल्लिंग है, ठीक है, क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का क्या होगा, तो डी नंबर, सॉरी सी नंबर, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हास्यास्पद शब्द में पड़ता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो 13 नंबर का, डी नंबर में क्या होगा, अस्पाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न मैं बार-बार आप लोग के लिए इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, 30 प्रश्न यहां से अगर कवर कर लेंगे, अगर आप लोग पूरी तरीके से बने रहेंगे तो, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि हमारे विद्यालय में प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, तो इसका पदबंध क्या, तो यहां पर 14 का राइट आंसर सी नंबर का, यानी क्या है, संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कह रहा कि समाज शब्द है का विशेषण होगा, तो क्या होगा, तो यहां पर राइट आंसर सामाजिक, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला जाएगा कि मनोविनोद शब्द में लिंग है, तो कौन सा लिंग है, तो यहां पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी पुल्लिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो यहां पर करेक्ट आंसर 17 नंबर का, बी नंबर नहीं क्या हो जाएगा, यानी निजवाचक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, प्रेम का विशेषण होगा, तो प्रेम का राइट आंसर क्या होगा, 18 नंबर का, ए नंबर प्रेमी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का, तो डी नंबर, यानी क्या, यह बात कहने मैं किसी को संकोच नहीं होगा, तो यहाँ राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम उसे कम वेस्ट हो और अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओ। अभी आप देखिए क्वेश्चन क्या बोले, बेईमान शब्द में प्रकृति, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर यहाँ विदेशित, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल्दी से आप लोगों को देखना है, 21 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का, कवित्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेईमान जो, हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जाएगा कि वह कौन है जो रो, यानी जो पड़ा रो रहा है, किसी सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी क्या करें, वह कौन है जो रो पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ये होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 22 नंबर का, तो सी नंबर यानी प्रश्नवाचक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है ना इसलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नीडर शब्द का उपसर्ग है, तो नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर होगा नी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पढ़ने वाला में शब्द में पढ़ते होगा, तो पढ़ने वाला में कौन सा शब्द में इसमें पढ़ते कौन सा होगा, तो 24 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर क्या वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूरी तरीके से आप लोग को वीडियो को देखना, अगर आप लोग 30 मार्क्स आज अगर कवर करेंगे तो। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, नौ युवक शब्द में समास है, तो इसका 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, कर्मधारय समास है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया
और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलना है। तो 26 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, घर शब्द का पर्यायवाची। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, निकेतन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, आदान आदान शब्द का विलोम होगा। तो आदान का क्या होगा, तो बी नंबर यानी प्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, गाल छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, पिंड छूटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, मरण तक के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर का सी नंबर नहीं, आमरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 31 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी भगत सिंह की करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा 33 का बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे कितना स्पीड में पढ़ाई, देखिए अगर आप लोग को स्पीड लग रहा होगा तो आप लोग रोक रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए क्या बोला जाएगा कि ओस उदाहरण या निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो 24 का यहां पर राइट आंसर होगा इनिश श्री नंबर, बोलते छंद से लिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मपुरवा कहां है? तो मपुरवा जो है राइट आंसर क्या होगा, 35 का ए नंबर, भीतीहरवा के पास करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गंडक नदी के जल सदियों से क्या रहा है? तो यहां पर राइट आंसर 36 का क्या होगा, तो बी नंबर यानी चंचल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो राइट आंसर मठ के महंत ने दी थी, राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का ए नंबर होगा, यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी वो यानी क्या होगा, बिश्नी की बेटी थी, क्या होगा 39 का करेक्ट डी नंबर, बिश्नी की बेटी थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि परगीत और समाज निबंध किस पुस्तक संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या वाद या वाद विवाद संवाद से, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी प्रयोगवादी, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैल्स का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, रघुवीर साय का जन्म हुआ, तो रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्या करेगा, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर जुड़ जाइएगा। अब यहां देखिए क्या बोला जाएगा कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी अशोक वाजपेयी या फिर रघुवीर साय, क्या होगा? तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो बी नंबर अशोक वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गाइडी मोपासा या फिर हेनरी लोपेज। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 45 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग भी बोल सकते हैं, सी नंबर हेनरी लोपेज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दंत से होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से सही क्या होगा, शुद्ध है, यानी कौन सा यहाँ पर शुद्ध होगा, तो प्रशंसा जो शुद्ध होगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोई भी मॉडल पेपर को पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आप लोग के सामने आएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा, तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को भी फटाफट से एकदम बिना रुके हुए, और सॉरी 48 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो श्री नंबर निजोर आधार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट ए नंबर होगा, व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा क्या है, तो 50 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, उभयलिंग है, ठीक है। तो गुस्सा जो है यह पुल्लिंग होगा, राइट आंसर क्या होगा, यानी मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा उभयलिंग या फिर गुस्सा क्या होगा, तो मुझे लगता है गुस्सा उभयलिंग होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आ रहा था, राइटिंग बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर कठिन परिश्रम करना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, यानी यथा जो इष्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो 53 का राइट आंसर होगा डी नंबर में क्या है, लापता होना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जाता रहता था पदबंध है, तो क्या है इसका राइट आंसर, ए नंबर में क्या होगा, क्रिया पदबंधन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, दीपावली शब्द जो है संज्ञा, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट होगा बी नंबर, यानी क्या होगा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों को लगता है कि बोल बोल के चले जा रहे हैं, देखिए आप लोगों को अगर ज्यादा स्पीड लग रहा है ना तो रोक रोक के देख लीजिएगा। अभी देखिए सेना शब्द है तो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 56 नंबर का तो ए नंबर स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी संबंधवाचक है। ठीक है, संबंध करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 57 का बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जाति शब्द विशेषण है, तो जाति शब्द कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से सी नंबर करेक्ट आंसर, यानी जाति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का विशेषण बताने के लिए बोल रखा है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर कार्यकर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया शत शब्द है, तो क्या है, तो शत जो है तत्सम है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 60 का क्या होगा जल्दी से बोलने आप लोग को, तो तत्सम हो जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन क्या बोला कह रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 61 नंबर का डी नंबर, यानी जयशंकर प्रसाद, क्या होगा सॉरी बी नंबर सूरदास की थी। ठीक है, बी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, लगभग 1548 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, जायसी का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, सी नंबर का यानी जायस कब्र अमेठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी साहित्य लहरी के रचनाकार है, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना, करेगी काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए, तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, 15 वर्षों तक। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, यानी समूहवाचक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, विवाह क्या है, तो विवाह जो पुल्लिंग होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, वह कुलाड़ी से वृक्ष काटता कारक है, तो कौन सा कारक होगा, तो यहाँ 68 का करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी करंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, रात शब्द का विलोम होगा, तो रात शब्द का विलोम क्या होता है, तो 69 का राइट आंसर ए नंबर, दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, शिवालय कौन सा समास है, तो राइट आंसर तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथास्तु है, तो यहाँ पर राइट आंसर 71 का क्या हो जाता है, तो राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, नहीं निम्न मध्य वर्ग की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, शमशेर सिंह बहादुर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यानी शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, 72 नंबर का, तो ए नंबर, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वह समझ करता है जो इसके एकाकीपन में दिनकर मानवता की आवाज सुन सकता है, किसका कथन है, तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने, तो डी नंबर, यानी उदय प्रकाश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि नामोर सिंह का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, 74 का राइट आंसर ए नंबर, यानी जीवनपुर में हुआ था। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो यहाँ पर हमारा 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या है, यानी जैन दर्शन के। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, नाभादास शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या जल्दी से बोलेगा, तो रामानंद के, राइट आंसर का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 76 ए नंबर, नहीं अग्रदास के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देना, करेगी चीर विषाद कलीन विलीन मन की किस कविता से की पंक्ति है, तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर होगा, शिनमणि तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं, डी नंबर, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 89 नंबर का जल्दी से बोलने, ए नंबर, यानी अशोक वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगी, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित किए हुए थे, तो फिर 80 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, नहीं कारा अधीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है, तो 81 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी प्रातः जोर काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, अदरक शब्द है, तो क्या है इसका राइट आंसर का, 82 का बी नंबर, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, नील गाय शब्द कौन समास है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 83 का राइट आंसर बी नंबर, यानी कर्मधारय समास है। आप लोग को बहुत स्पीड लगता होगा, देखिए स्पीड करने का मतलब कि बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना। अब देखिए क्या बोला जाएगा, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो राइट आंसर यानी गृह यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कौरव शब्द में पढ़ते होगा, तो कौरव में क्या होगा, और नहीं रब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर उप करेक्ट आंसर क्या होगा, उप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला, धर्म शब्द है, तो क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो राइट आंसर डी नंबर,
इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर धर्म क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो यहाँ पर ठहराओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि सुक्त का संधि विच्छेद क्या है, तो सुक्त का संधि विच्छेद सूज और उक्त करेक्ट आंसर, यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, बी नंबर नहीं, सूज और उक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सूज और उक्ति होगा यहाँ पर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पर राइट आंसर का यानी एक ऐसा आदमी नहीं देखा, राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चरम व्यक्तित्व की परम समाधिक है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो यहाँ पर आप लोग को 91 का जवाब देना फटाफट से, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सी नंबर क्या होगा, परिगित और समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि यथार्थ इस लेन देन का नाम है, संसार ही यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको फटाफट से जवाब देने, तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, नहीं मलयज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि रौभती गोखरेणी बछड़ा हित धाई यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता से ली गई है, तो फटाफट से आप लोग जवाब देंगे, 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर श्रीनगर का यही क्या होगा, सूरदास के पद से ली गई है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो 95 का करेक्ट आंसर का बी नंबर नहीं, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर क्या बोला करेगी तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 96 का श्रीनगर यानी अवध और ब्रज, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा नाभादास कि राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है क्या क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा 97 का सी नंबर यानी क्या होगा मधुर या भाव का पुत्र था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 98 नंबर क्या बोला जा रहा है छत्रसाल दशक के छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया था, तो कितने में 10 छंदों में किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाए 99 नंबर कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 99 का बी नंबर का जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला यानी मैं असहाय विवश बैठ रही उठ गया छैना मेरा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता ने लिखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 नंबर श्रीनगर पुत्र वियोग के द्वारा। अब देखिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट है या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइएगा, और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग PDF नोट्स टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले गूगल में बढ़ते हैं, तो गूगल में ना गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आप लोग को bbphelp.com करके सर्च कर देना है, जब आप यहाँ पर सर्च कर देंगे सर्च करने का, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे आते जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को तो सारा कंटेंट मिल जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। PDF यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को कैसे देना है, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैक होंगे, बैक होने का अब देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे आते जाना यहाँ से सब्जेक्ट वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब चैप्टर वाइज। उसके जब नीचे आएंगे यहाँ पर देखिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सारा टेस्ट आ जाएगा, यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट यानी चूज करके यानी टेस्ट दे सकते हैं, देखिए क्लिक हेयर के सामने अब यहाँ पर सारा यानी टेस्ट बना हुआ है, यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं, तो चलिए इसी तरह का टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग जैसे मतलब अगर आप लोग अपना यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों को फौरन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद।